मॉर्निंग नाइशा। और यहाँ बैठ के ब्रश हो रहा है क्या? निकाल के वापस से ढक्कन भी लगाना है इसके ऊपर। तुम लोग ये ऐसे खुला छोड़ देते हो। और नाइशा कह रही है मम्मा बहुत ठंड लग रही है, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा भी सुबह सुबह चल रही है ना। हाँ वो कह रही मम्मा हाथ मुँह धो लूँ, नहाऊँ? नहीं, नहाना तो डेली चाहिए बेटा, पानी गर्म हो रहा है अभी। फ्रेंड्स, कल नाइशा गरबे में गई थी, मतलब गरबे के गिफ्ट बट रहे थे। जिसका टोकन होता है कंपलसरी उसको देते ही देते हैं। तो नाइशा बताए मेरा भी टोकन लेकर आई थी। किस लिए लेकर आई थी मैं आपको बताऊँ, साफ कर लूँ कि दो दो गिफ्ट मिलेंगे हमें। तो मेरा भी टोकन लेकर आई थी, मेरा नहाना वाना हो गया है। तो सबको कंपलसरी यहाँ पर ये वाली बोतल मिली है, देख सकते हैं पानी की, तो दो मिली है। अरे सुनो, बाल्टी मांझ ली थी? हाँ, नहीं। तो क्यों भर के लिया? कल तुमने यहाँ गरम करा था पानी। नहीं। निकाल दो, दोनों इसी में नहा लेंगे, ठीक है ना? सुनो, तो यहाँ पर नाइशा को ना ये मिली। अब मैं आपको बताऊँ हुआ क्या था। ये वहाँ पर थी और आ ही नहीं रही थी। प्रीति सामने रहती है, उसके साथ मैंने इसको भेज दिया था। मैंने कहा जा प्रीति तू ले जा, घर पे मेहमान आए हुए हैं, मैं नहीं जा पाऊँगी ना, मम्मी जी गई। तो प्रीति तो आ गई और ये वहाँ से आई नहीं। मुझे बड़ा गिफ्ट चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए, ये चीज़ चाहिए। फिर मैं गई वापस। हाँ क्यों, पिंकी दी को पता होगा ना? तो फिर मैं गई जल्दी से वापस और इसको लेकर आई। और इसकी जो चप्पल थी वो भी वहां गुम गई और रोती हुई आई वापस। मेरे पापा बोल के गए, मेरे बड़ा गिफ्ट में मेरा नाम लिखा। गिफ्ट की पता नहीं क्यों बच्चों को इतना शौक होता है। तो बस चलो चलते हैं नीचे, दिखाऊं बाहर। हाँ, पीछे जो कॉलर है उसको फ्रिज मिला है, एक लड़की। एक लड़की को फ्रिज मिला है। तो बेटा वो रात भर खेली है वहां पर, 9 दिन गई है, मैं नहीं जाती, मुझे इतना इंटरेस्ट। तो यहाँ देख सकते हैं बाहर का व्यू, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। चलते हैं मंदिर और अब चलते हैं नीचे, लाइट ऑफ कर देते हैं। अरे अरे क्या हो गया, पानी डालो इसमें ऐसा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये बना रहे हैं बढ़िया सैंडविच। किस तरीके से बना रहे हो दिखाओ तो सही। अच्छा ये पूरा सैलेड। स्टफिंग अच्छा है, हाँ बीच में चीज डलता है, हाँ और फिर बढ़िया घी में। हाँ आपको तो क्या बोलते हैं, सभी करनी है पूरी वो से ऊपर कहीं रखा गया है। पूरी देख लीजिए आप, बच्चों रेडी हो चुका है। एक एक भर के भी तो दिखाओ किस तरीके से बना रहे हो। ऐसा तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये बना रहे हैं बच्चों के लिए सैंडविच। और मैं आपको बता दूं आज मेरा दिन जो है वो बड़ा व्यस्त रहने वाला है। सफाई में नहीं जाएगा, आप टेंशन मत लेना, सफाई में नहीं, खुद की सेल्फ केयर में जाएगा। आज मुझे अपने हैंड्स पर जो भी ये हेयर हैं उनको रिमूव करना है, पार्लर जाके आईब्रो बनवानी है, बहुत सारी चीज़ें जो करनी है, जैसे कि करवा चौथ आने वाला है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं भी इनकी हेल्प कर रही हूँ थोड़ी। मैंने कहा जल्दी हो जाएगा, दोनों लोग फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ पर एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है और बस अब यहाँ पर बच्चों का जो लंच है वो ये तैयार कर रहे हैं। साथ में नायशा के हेयर हैं और वो भी बांधना है, मतलब चोटी बनाना है उसकी। और यहाँ पर साथ में मैं चाय भी बनाती जा रही हूँ। जब हम किचन में 2-3 लोग लग जाते हैं ना तो फिर किचन ऐसा ही मैसी हो जाता है। एक लोग लगे हुए होते हैं तो फिर इतना गंदा नहीं होता है, मतलब व्यवस्थित रहता है, पर जब हस्बैंड ये लोग सब होते हैं ना तो फिर पूरा मैसी मैसी हो तो जाता है। फ्रेंड्स बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में आज मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे कोई घर के काम नहीं कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों को घर के काम नहीं दिखाऊंगी, कोई सफाई वफाई नहीं है, आज खुद की केयर करना है। मतलब करवा चौथ आने वाला है, बस एक दिन ही गैप है। तो आज मैं पार्लर भी जाऊंगी और थोड़ा बहुत पार्लर में सिर्फ आईब्रो कराती हूँ, ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कराती हूँ। फेशियल वगैरह मैं नहीं करवाती हूँ, मैं आपको क्यों झूठ बोलूँ। घर में ही किट वगैरह मंगा लेती हूँ, कभी घर में ही कर लिया या फिर बेसन लगा लिया, मैं घर में ही ज़्यादा मुझे पसंद अच्छा लगता है। किट मंगा लो, खुद ही कर लो। जैसे पिछली बार मैंने न्यूड की वो किट मंगाई थी ना, फेशियल किट, तो घर पर ही मैंने कर ली थी। और अभी आज मैं ना ये जो है अभी दिखाती हूँ बैक कैमरे से आपको, न्यूड हेयर रिमूवल फॉर्म स्प्रे। तो ये ना आप अपने हैंड्स पर, लेग्स पर
इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमें बैक्स में जो दर्द होता है ना वो नहीं होगा। आज मैं अपने हैंड्स पर करके आप लोगों को दिखाऊंगी, मैं तो करती रहती हूँ पर आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी कि कितना ये मतलब इफेक्टिव है, कितनी अच्छी चीज़ है। जब पार्लर जाने का समय ना हो, हेयर ग्रोथ हो रही हो, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं जैसे हेयर में, लेग्स में, अंडर आर्म्स वगैरह यहाँ पर। तो चलो पहले तो मैं अपने कपड़े वगैरह डाल के आ जाती हूँ ऊपर, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। और आज देखो अतिदेव जी हमें पार्लर भी लेकर जाएंगे, आईब्रो बनवानी है बस और यहाँ इनकी तैयारियाँ भी चल रही हैं। तो फ्रेंड्स पहले कपड़े डाल देती हूँ, इसके बाद मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी न्यूड का हेयर रिमूव स्प्रे, जो कि इतना अच्छा है। पहले तो मैं इसको यूज़ कर सकती कर चुकी हूँ, क्या बोल रही हूँ मैं, पहले मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ पर आप लोगों के साथ में मैं पहली बार यूज़ करके दिखा रही हूँ। तो आप जब देखोगे ना तो आप खुद चौंक जाओगे, इतनी अच्छी स्किन हो जाती है, इतनी स्मूथ हो जाती है कि आपको खुद लगेगा। तो चलो पहले कपड़े डाल देती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अभी मैं कपड़े वगैरह डालकर आ गई हूँ, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसको किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे क्या होता है, हम कभी बाहर जा रहे हैं, अचानक से हमें बाल दिख गए और हम पार्लर जाने का समय नहीं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और मेन क्या है इसमें, स्किन को हार्श नहीं करता ना, वो जो होती है ना हेयर रिमूवल वाली स्मेल गंदी वाली वो नहीं आती है बिल्कुल भी, और स्किन को डार्क नहीं करता। जैसे कई बार क्या होता है हेयर रिमूवल क्रीम हम यूज़ करते हैं ना तो स्किन डार्क हो जाती है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को तो पता ही है मैं न्यूड के कितने प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। तो चलो हम इसको अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम इसको खोलेंगे और वाओ इसकी पैकेजिंग अच्छी है यार। तो देख सकते हैं आपको कुछ नहीं करना है, लाओ ये चूड़ी निकाल दूँ। तो मैं जो बैग्स का जो काम है ना वो इस बार मैं अपने घर पे ही करने वाली हूँ। तो देख सकते हैं ऐसे करके आपको लेना है। पाँच से छः मिनट इसको रखना है हमें। तो फ्रेंड्स मुझे अभी 10 मिनट नहीं हुए हैं, सिर्फ 5 मिनट हुए हैं और मैं दिखाती हूँ। अरे बाप रे देखो तो सही, हट गए और देख सकते हैं डस्ट देखो और टैनिंग देखो कैसे निकल रही है देखो। वाओ अभी मैं इसको धुल के दिखाऊंगी आपको। अभी मैं धुल के लेकर आती हूँ पहले हाथ अपना, देख सकते हैं देखिए। और टैनिंग देखिए ये ब्लैक ब्लैक, वाओ सही में यार, मतलब इधर दिखाओ, ये कोई प्रमोशन नहीं है आप लोगों को लग रहा होगा, सही में यार ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं इस वाले हैंड पे भी करूंगी, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं इसका नहीं दिखाऊंगी, सिर्फ इतना ही दिखाया। सही में यार बड़ा अच्छा लगा, देख सकते पास से दिखाओ, ना कोई दाने हैं, ना कोई रेसेस है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं। अभी अच्छे से नहीं करा है, बस इतना ही दिखा रही हूँ मैं आपको, पूरे पे करूंगी, कोई वैक्स वैक्स नहीं करवाऊंगी पार्लर में। वाह मजा आ गया यार सही में। अभी तो मैंने सिर्फ ज्यादा देर रखा भी नहीं, सिर्फ 6 मिनट रखा, 5-6 मिनट, 10 मिनट तो रखा ही नहीं। तो अभी मुझे लेट हो रहा है, मैं जाती हूँ और आईब्रो बनवा लेती हूँ, फिर हस्बैंड चले जाएंगे तो फिर थोड़ा जाने में दिक्कत होगी। इसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां जाकर आप चेक कर सकते हैं। कमेंट में भी मैंने पिन कर दिया है, वहां भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा लगा मुझे। तो चलो चलते हैं अब।